नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन, पीएम मोदी और शाह भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। पहले आम भारतीय को मिलेगी ईसाई संत की उपाधि, पोप फ्रांसिस 2022 में घोषित करेंगे संत। बंगाल के स्कूलों में समलैंगिक संबंधों पर फिल्म दिखाने की योजना, एनसीपीसीआर ने मांगा स्पष्टीकरण। हांगकांग वियतनाम में भी कोवैक्सीन को मंजूरी, अमेरिका ब्रिटेन के बाद मिली हांगकांग और वियतनाम में मंजूरी, अब तक 96 देश दे चुके हरी झंडी। भरतपुर एमपी रंजीता कोहली पर जानलेवा हमले की 6 सदस्यीय एसआईटी करेगी जांच, गहलोत ने दिए निर्देश। देवेंद्र फडणवीस की बड़ी मुश्किलें, नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ने भेजा 5 करोड़ का नोटिस। चेन्नई में सड़कों पर जल जमाव, घरों में घुसा पानी, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तिहाड़ जेल की हालत दयनीय, जेल में हो रही हत्याएं। कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाने का मेगा प्लान, सबको जोड़ने की केंद्र सरकार की बड़ी योजना। राम मांझी की बहू ने लालू की बेटी को कहा लबरी, अब बगचोहनर से आगे गई बिहार की सियासत। प्रतिबंध के बावजूद यमुना घाट पर भाजपा प्रदेश आदेश गुप्ता ने मनोज तिवारी के साथ की छठ पूजा। जालंधर में यूपी के फैक्ट्री वर्कर ने पेश की दरियादिली की मिसाल, अपनी दिवाली भूलकर 2 साल के बच्चे को दिलाया आस। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनेगा ट्रिपल प्राइड डे, झारखंड के भाजपाई गदगद, पीएम मोदी को दी बधाई। जम्मू कश्मीर में भाजपा का बढ़ा रहा सियासी कुनबा, राणा के बाद दूसरे दलों के नेता कार्यकर्ता भी कर रहे रुख। यूपी के मंत्री सुरेश राणा और नीलकंठ तिवारी ने प्राप्त की कनाडा से बरामद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, 15 को वाराणसी में करेंगे स्थापना। गन्ना किसानों को इसी पेराई सत्र में मिलेगा बढ़ा मूल्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा पर कैबिनेट में मुहर। अमृत महोत्सव के अवसर पर 1 माह तक सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा आरएसएस, 19 नवंबर से शुरू होगा कार्यक्रम। यूपी में करियर सेंटर दिलाएंगे निजी क्षेत्र में नौकरियां, प्रदेश में बनेंगे कर्मचारी बीमा न्यायालय। सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 3 दोषी करार, कोर्ट 12 नवंबर को सुनाएगी सजा।
आजमगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध कच्ची शराब बनाते आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में 195 वर्षगांठ पर जश्न, शहीद स्मारक बावनी इलाके में जले दीप। मैनपुरी में जमीनी विवाद में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। मिर्जापुर में रहस्यमयी बीमारी से हुई बच्चों की मौत, एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत, दो लोग हुए बीमार। रायबरेली में अवैध शराब पर कार्रवाई, 55 लीटर शराब हुई बरामद। संभल में बर्फ प्लांट में हुआ अमोनिया का रिसाव, प्लांट मालिक समेत तीन लोग झुलसे। संभल में आरोपियों के हौसले बुलंद, पीड़ित ने न्याय की लगाई गुहार। संभल में भाजपा सरकार पर बरसे सचिन पायलट, अपराधियों का साथ देने का लगाया आरोप। संभल में राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज पहुंचे प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव, सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर पहुंचे शिवपाल। उन्नाव में खाद की कालेबाजारी पर शिकंजा, दो दुकानों को किया गया सील, एक आरोपी हिरासत में। अलीगढ़ में विदाई से पहले उठी अर्थी, सड़क हादसे में हुई युवती की मौत। बीकापुर में युवक की हत्या से फैली सनसनी, चाकू से गोद कर हुई युवक की हत्या। गोरखपुर में घर पर लहराया पाकिस्तान का झंडा, चार लोगों पर मुकदमा दर्ज। हरदोई में भाजपा सरकार पर बरसे किरणमय नंदा, 2022 में सपा की जीत का किया वादा। लखीमपुर खीरी में लुटेरों के हौसले हुए बुलंद, महिला की चेन छीन कर भागे लुटेरे। लखनऊ में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़, शातिर बदमाश शोएब हुआ गिरफ्तार। रायबरेली में विद्यालय में मजदूरी करते दिखे बच्चे, ईंट धुलाई करने का वीडियो आया सामने। संभल में कल की महोत्सव में पहुंची रूपाली शर्मा, गायिका रूपाली शर्मा के गीतों पर झूमे लोग। शाहजहांपुर में बीमारी ने छीनी परिवार की खुशी, इलाज के लिए परेशान परिवार। शाहजहांपुर में सफाई कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन, नौकरी से निकाले जाने पर भड़के कर्मचारी।
मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम योगी, शंखनाद से किया गया मंच पर स्वागत। अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का ट्वीट, लिखा इस सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। कानपुर में मेट्रो से सफर करना होगा किफायती, गो स्मार्ट कार्ड में भी मिलेगी छूट, कुछ बहुत कम रहेगा किराया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, जिन्ना इस देश के लिए खलनायक थे और रहेंगे। देहरादून पहुंचे भाजपा उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रबुद्ध सम्मेलन में लेंगे भाग। उत्तराखंड में होम स्टे के लिए दोगुनी होगी सब्सिडी, पर्यटन विभाग कर रहा है इसका मसौदा तैयार। लखनऊ में पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। कांग्रेस की विजयी संकल्प शंखनाद रैली शुरू, यशपाल आर्य ने फहराया कांग्रेस का झंडा। उरोला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहे दुर्गेश लाल ने थामा कांग्रेस का दामन। नानकमत्ता में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, बहू ने गांव के छह लोगों के खिलाफ दी तहरीर। हरीश रावत ने पुरस्कार पर उठाए सवाल तो गोदियाल ने खनन पर कहा दूसरा मधु कोड़ा न बने। सीएम धामी के लंच डिप्लोमेसी, हल्द्वानी में दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाकर सबको किया हैरान। राज्य में 700 से ज्यादा केस, 550 केवल हरिद्वार में, दिल्ली से पहुंचे एक्सपर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला, हत्याकांड में बाहुबली डीपी यादव को किया बरी। नवाबाद से साधु चरस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, अखनूर में भी भुक्की के साथ एक पकड़ा। करीबी ही यशपाल आर्य के खिलाफ कांग्रेस बोली, झंडे डंडे से करेंगे विरोध। नशे के खिलाफ मुहिम में नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी, एक सेंटर हुआ बंद। रुद्रपुर में गल्ला मंडी में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, तीन लोग हुए घायल। दीपा मलिक ने कहा लक्ष्य पाने में बाधा नहीं बन सकती दिव्यांगता, नाजिर हुसैन ड्राइव में कर रही है प्रतिभा। तनाव के बीच अगले सप्ताह हो सकती है बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात, जिसमें तनाव को कम करने और साझा मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए दिया जाएगा ध्यान। स्पेस एक्स के यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रवाना हुए चार अंतरिक्ष यात्री, बनाया नया रिकॉर्ड।
शी जिनपिंग ने दी चेतावनी, कहा कहीं शांति युद्ध के चलते एशिया प्रांत प्रशांत में ना बढ़ जाए तनाव। पीएम इमरान खान पर बिफरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी स्कूल नरसंहार मामले में किया तलब। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की अपनी डफली, अपना राग, भारत की बैठक को कहा ना बुलाए अलग मीटिंग। अमेरिका के ताइवान दौरे से भड़का चीन, जवाब में ताइवान के पास शुरू किया सैन्य अभ्यास। अमेरिका को चीन के परमाणु हमले से बचाने के लिए किया पनडुब्बी करार, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दिया ये बयान। आईएसआईएस का सामना करने के लिए खुद की वायुसेना बनाएगा तालिबान। न्यूजीलैंड में वैक्सीनेशन लॉकडाउन के विरोध में लोगों ने संसद के सामने निकाली रैली। पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या पर खैबर पख्तून प्रांत में विरोध प्रदर्शन। ईपीएफओ कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब आकस्मिक निधन पर आश्रित या नॉमिनी को मिलेगी दोगुनी रकम। क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले सावधान, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को बताया खतरा। डुकाटी ने लॉन्च की 13 लाख रुपए की सुपर बाइक हाइपर मोटार्ड 950। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड कंपनी डिनर्स क्लब पर लगी रोक हटाई, नए ग्राहक जोड़ने की अनुमति दी। पेटीएम का आईपीओ हुआ 1.89 गुना सब्सक्राइब्ड, क्यूआईबी ने दिखाया जबरदस्त उत्साह। आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में रिकॉर्ड कटौती से घटी महंगाई। भारत दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी बनने वाला देश, वित्त मंत्रालय ने दिया बयान। नायका की संस्थापक फाल्गुनी बनी देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला, शेयरों में जोरदार शुरुआत का असर। आईटी कारोबार सेवाओं का बाजार 2021 की पहली छमाही में 6.4% की वृद्धि के साथ 6.96 अरब डॉलर पर, आईसीडी ने दिया ये बयान। मुखराई की सीमा देवी ने कायम की मिसाल, शुरू किया खुद का कारोबार। भारतीय स्पिनर अक्षय ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 में 4 ओवर में 1 भी रन नहीं दिया और 2 विकेट भी छटके। रग्बी कोच के बेटे ने सबसे बड़ी पारी खेलकर न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचाया, खुद पिता बने गवाह। न्यूजीलैंड का बदला पूरा, इंग्लैंड को हराया पाकिस्तान की बारी।
पाकिस्तान को झटका, शोएब मलिक मोहम्मद रिजवान की तबीयत बिगड़ी, कोरोना टेस्ट भी हुआ। इंग्लैंड के लिए विदेशी कप्तान भाग्यशाली, हार के बाद भी बना गए नए रिकॉर्ड। केन विलियमसन ने हवा में उड़कर लपका हैरतअंगेज कैच, बेरिस्टो भी हैरान होकर लौटे पवेलियन। मोइन अली ने फुल टॉस पर चौके से पूरा किया टी20 वर्ल्ड कप का अपना पहला पचासा। संजू सैमसन ने सिलेक्टर्स पर साधा निशाना, आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन के बावजूद नहीं मिली टीम इंडिया में जगह, फोटो शेयर कर निकाली भड़ास। कोहली ने कोच शास्त्री का किया शुक्रिया, टी20 के पूर्व कैप्टन बोले आपका योगदान भारतीय क्रिकेट इतिहास में याद रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में बाबर आजम को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, रमीज राजा ने दिया बयान। अफसाना खान को बिग बॉस ने निकाला घर से बाहर, वीआईपी टास्क हारने के बाद हिंसक हो गई थी सिंगर। विक्की कैटरीना बारवाड़ा फोर्ट में लेंगे फेरे, मुंबई से आई टीम ने देखी लोकेशन। होते ही छा गया RRR फर्स्ट सॉन्ग नाचो नाचो का वीडियो, रामचरण और जूनियर NTR के डांस ने उड़ाया गर्दा। बाइक का विज्ञापन बना पुष्पा फेम, अल्लू अर्जुन की मुसीबत, महंगा पड़ गया डोसा बेचना। कपिल शर्मा ने सोनू सूद के साथ स्टेज पर मचाया धमाल, रिमझिम गिरे सावन गाकर बिग बी को किया इंप्रेस। विराट की बेटी को शोषण की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने किया अरेस्ट, फरहान अख्तर ने की तारीफ। ट्विंकल खन्ना जब बेसुरी आवाज में गाने लगी अंग्रेजी गाना, बेटी नितारा बोली ये कौन सा सॉन्ग है। कंगना रनौत की लाइफ में हो चुकी है स्पेशल वन की एंट्री, बोली जल्द ही सबको इस बारे में पता चल जाएगा। अजय रोहित की सिंघम 3 आर्टिकल 370 पर होगी आधारित, रोहित शेट्टी इस फिल्म का करेंगे निर्देशन। शाहरुख अभिषेक की बॉब विस्वाट OTT पर होगी रिलीज, दिया घोष कर रही हैं इस फिल्म का निर्देशन। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।